बहुत बढ़िया वाले मीम्स देखने के लिए आई होप कि बहुत सही हो. सो लेट्स सी हाउ द मीम्स ऑन द चैनल एसबी मीम्स आर गोइंग टू बी. चलिए देखते चिंकी बस में अपने बीएफ की गोद में बैठी थी. चिंकी ने कंडक्टर हाँ. से कहा भाई बस थोड़ा स्लो चलाओ, झटके बहुत ज्यादा लग रहे हैं. कंडक्टर बोला मैडम जी उठकर देखो बस तो कब से खड़ी ही है. ये समझे नहीं, दोबारा पढ़ रही है, कैसे बार समझेगी. प्यारी समझ गई. ठीक है, उसने भी झटके महसूस किए दोस्तों. कबूतर यार, कबूतरों में दहशत थी. एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया. मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है. अच्छा आप जानते हो उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा. कहता है अच्छा. तो हेलो गाइस, इट्स एमआईडी. तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है मेरे एक और न्यू एपिसोड में. जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा हर वीडियो हंसाने के लिए बनाया गया है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना. और हाँ, वीडियो कोई सा भी पार्ट अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताना. तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट. शीशी भरी शराब की तुम भी पिया करो. शीशी भरी शराब की तुम भी पिया करो. अच्छा अपने पति को छोड़कर सबको दिया करो. रहा नहीं जाता. सच्चा आपका बरामदा इतना बड़ा है मुझे पता ही नहीं चलता. तो आपका कौन सा छोटा है. शर्मा जी का घर आप ही शर्मा जी हैं? जी मैं शर्मा जी हूँ. बैठिए बैठिए. आपकी सीट बड़ी अनकंफर्टेबल है. अभी बदत है भाई, अभी बदत है. सीट ठीक है, आपकी सीट अनकंफर्टेबल है. ओके अब देख तू, अब देख तू. उसकी मम्मी आई है बेटा, उसकी मम्मी आई है. हो गया, चल कर, चलो कर. अरे 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 अरे, ये तो होना ही था. कि पेट ज्यादा भार होता है, हर वुमेन्स को तकलीफ होती है. क्यों अभी होती है? अब वो तेरे दिमाग में सोच क्यों. अभी जैसे मेरे पापा हैं, प्यार करने में आदमी और औरत के बीच में क्या आ जाता है, पेट. पानी की बूंद की अपनी एक वैल्यू है. अच्छा. पानी की बूंद आसमान से गिरे बरसात बन जाता है. अच्छा नीचे से गिरे तो खानदान बन जाता है. आने वाली साफ फिल्म भी लाइन से सुपर हिट होगी, बस शर्ते तू दादी वाला स्टेप करके दिखाएगी, वो भी सात बार. अरे बाबा ये फ्यूचर है, तोता आपके साथ मिला हुआ है. मेरा तोता मेरे साथ समझ गए. रास्ता पेट से जाता है तो पेट पूजा कर ली. ओके wedding was a really fun wedding because it was just family and yeah. between my family and his immense family. Yeah, you as called well. None of us. Arre ruko zara, sabar karo. I wasn't invited to a lot of your do's either. Well, मुझे किसी से प्यार हो गया था 12th में basically. And मैंने it's a full time job. It's a full time job sir. और मैं जब प्यार में पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ जाती हूँ, मैं लेट जाती हूँ. क्या बोला तूने? मैं लेट जाती हूँ. सर्दी की वजह से लंबी हो गई रातें. सर्दी की वजह से लंबी हो गई रातें. सर्दी की वजह से लंबी हो गई रातें. हाँ नंबर दे दो अपना, हम सारी रात करेंगे बातें. नया साल में आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मेरे सारे दोस्तों की शादी हो जाए यार. सही पकड़े. अच्छा ऐसे क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है. कब तक क्राइम पेट्रोल वाली भाभी देखेंगे, साड़ी वाली. यार हम भी इनके घर जाएं, हम भी भाभी देखें यार. ए! कैसे दोस्त हो यार तुम? क्या मतलब? चुप बोलने दो मुझे. आपके छोटे भाई का पप्पू खानदान साला. क्या बोला तूने? खानदान साला. इनका जॉनी कभी सेंस ही नहीं करता. ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा हूँ मैं? अधिशुदा
हाँ सर, जो एक सेकंड के लिए तुम वरुण धवन हो, क्या बोलना चाहते हो अली? आई लव यू मैन। ये मिल गया जोमेटो वाला भाई। अरे भाई 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 भाई, आप जोमेटो में जॉब करते हो? जी भाई। अरे यार, मैंने सुना यार इसमें बहुत अच्छा पैसा है यार। भाई बहुत पैसा है इसमें, बंदे काम करके भाई अपनी बाइक निकलवा रहे हैं भाई। तो आपने कौन सी बाइक निकलवाई है? निकलवाऊंगा, पहले साइकिल की किस्त पूरी हो जाए उसके बाद बाइक निकलवाऊंगा। अच्छा, बहुत पैसा है। जाओ जाओ जाओ। अरे रुको जरा, सबर करो। अरे तुम जीत जाओ। आपका घुटना दिख रहा है। अच्छा, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखो, अगर मैं नीचे करूंगा ना तो फिर मेरा प्यारी समझ गई। इंडिया में कितनी कंट्रीज है? इंडिया में इंडिया एक कंट्री है। होगी 300। 300? हाँ। कौन सी क्लास में आप? मेरा जो थर्ड ईयर हो गया। को पैसा बर्बाद कर मैं तेरा भाई। तो मेरी रजाई, आई लव यू मेरी रसमलाई। ये देखिए यहाँ पर खड़ी है कि ताकि मैं डर पाऊँ, और वहाँ पे चुपके से खड़ी है कि मैं साइड से अगर वहाँ से निकलूंगा तो ये मुझे डरा पाए, लेकिन इस बेचारी का सारा मेहनत खराब चला जाएगा। अभी मैं पहले से ही पीछे से देख रहा हूँ। अबे साले, एक गरीब बाप पूरी जिंदगी पैसे जुटाता है और वो एक झटके में चले जाता है दहेज के रूप में। बात तो सही है। कहां हेलो दोस्त, इधर इधर इधर, आप देश के यूथ हो, आपकी नजर में दहेज लेना किस हद तक बुरा है? देखो भाई, दहेज लेना तो पाप है, दहेज नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आप अभी भाग रहे थे, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। पुलिस की? पुलिस की ही तैयारी क्यों? सरकारी नौकरी के बाद दहेज अच्छा मिलता है। अभी आप पलट गए, पलट गए ना, यही है हमारे देश का युद्ध। अभी आप कह रहे थे दहेज लेना पाप है, अभी दहेज के लिए तैयारी कर रहे हो? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखो, मैं दहेज के हिस्से में एक पैसा नहीं लूंगा, मम्मी कसम एक पैसा नहीं लूंगा। हाँ, उधर से दहेज आएगा, मेरी बहन के दहेज में चला जाएगा। ये कौन सा स्कीम है भाई? ये तो देना ही क्यों है ना, अगर ऐसे पास करना है तुमको तो। ये क्या है? ये भी बिजनेस? वाओ, तुमको चलने नहीं हो रहा है क्या? दूसरा रास्ता पकड़ लो, अगर चलने नहीं हो रहा है तो भाई। एस बी मीम्स, ओके मीम्स आई थे चुम्मेश्वरी नहीं, बट यस मीम्स दे वे नाइस, अच्छे थे वो। कपिल शर्मा के मीम्स तो यार, मतलब आजकल सारे मीम जो भी वीडियो होता है ना, एक मीम तो कपिल शर्मा का होता ही। इट्स बिकम अ मीम टेम्पलेट, क्या बोल सकते हैं वो वाले जो भी चीज होता है। लेकिन मजेदार थे यस एस बी मीम्स, लिटरली मजेदार मीम्स थे। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।